पेट्रोल और डीजल के दामों में केंद्र और राज्य की ओर से घटाए गए दामों को लेकर जहां कुछ लोगों को राहत मिली है तो वहीं कुछ लोगों को अभी इससे परेशानी है। पेट्रोल में राहत के बाद कई गैर बीजेपी राज्यों में इस पर सियासत भी होने लगी है। वहीं पेट्रोल और डीजल के गिरे दामों को लेकर लोगों की क्या राय है, इस पर बात की हमारे संवाददाता ने, आप भी सुनिए। लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जहां आम जनता में काफी रोष था, वही अचानक आज 12 रुपए करीब डीजल पेट्रोल कीमतों पे घटने से लोगों को राहत नजर आ रही है। हमारे इसी को लेकर हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो ग्राहक हैं और यहां पेट्रोल डलवाने आए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो करीब पेट्रोल की कीमतों पर करीब 12 रुपए की जो कम हुए हैं, इसको लेकर उनका क्या कहना है। पहले क्या नाम है आपका? मेरा यादवेंद्र सिंह जादवान। यादवेंद्र जी, जो करीब 12 रुपए पेट्रोल की कीमतों में जो कमी हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आदरणीय मोदी जी ने जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, उस पर 12 रुपए की कमी करके आम जनता को बहुत राहत दी है। इससे आम जनता बहुत खुश है। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था गरीब लोगों को, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन ये एक गिफ्ट हो गया दीपावली का मोदी जी का आम जनता के लिए। इससे लोगों को बहुत राहत है और लोगों में बहुत खुशी है। क्या लगता है कि पेट्रोल की कीमतों जो कम हुई है, इससे कुछ और घरेलू सामान पर भी कुछ फर्क पड़ने वाला है? अब तो आदरणीय मोदी जी से एक चीज और कहना चाहता हूँ मैं कि वो जो गैस की कीमतों के दाम और बढ़ रहे हैं, उसको थोड़ी और रोक लगाई जाए या उन्हें थोड़ा कम किया जाए, जिससे आम लोगों को और राहत मिल जाएगी। और मोदी जी का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास, तो वो सबकी तरफ देखेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह तोमर है। राजवीर सिंह जी, आज जो पेट्रोल कीमतों पे करीब 12 रुपए करीब कम हुए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? ये अच्छा ही है, सरकार ने जो है इस पे जो सब्सिडी दी है और इस पे रेट कम हुए, इस पे जनता का फायदा, हम सबका फायदा है। और भी रेट कम होने चाहिए डीजल और पेट्रोल के। पेट्रोल डीजल के महंगे होने से जो है सभी चीजें महंगी हो जाती है और उसमें दिक्कत होती है। बढ़ोतरी हो रही थी, इसको लेकर आज एकदम 12 रुपए घटे हैं, क्या कहेंगे? आज सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, तो इससे महंगाई बढ़ रही थी, तो इस ओर ध्यान देना चाहिए कि सभी का ध्यान रख करके पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए, जिससे मतलब सभी मतलब इससे लाभान्वित हो सके। आज 12 रुपए गिरे हैं पेट्रोल की कीमतों पर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, सरकार का बहुत अच्छा कदम है और इसको मतलब इससे आम जनता को इससे इसका लाभ मिलेगा और बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने। इस जनता के बारे में इस विषय पे सोचना चाहिए, बहुत अच्छा कदम है। तो आज जो पेट्रोल की कीमतें जो करीब 12 रुपए में कम हुए हैं, इसको लेकर जनता ने अलग अलग राय रखी है। किसी का कहना है कि जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई है, उससे लोगों को राहत मिलेगी, आम जरूरत की चीजों पर जो महंगाई थी उसमें थोड़ी कमी आएगी। वहीं लोगों ने इसको एक चुनावी जुमला भी बताया है। उनका कहना है कि ये चुनाव आने वाले हैं यूपी में, इसको लेकर ये पेट्रोल की कीमतें घटी हैं और चुनाव के बाद फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। वहीं जो पेट्रोल पंप के मालिकों का जो कहना है कि एकदम जो अचानक 12 रुपए करीब पेट्रोल पे कम हुए हैं, उससे उनको काफी नुकसान है। तो लोगों की अपनी अलग अलग राय है। तो फिरोजाबाद से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया चैनल के लिए किशन चंद।